शांति नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि जो मायावी ग्रह राहु है, अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन में हो, पहले ये समझ ले अच्छी पोजीशन कब होगी, जब ये अचानक ही बहुत बड़ा लाभ देगा। देखिए, सबसे पहले राहु लगन में हो या अष्टम में हो या नवम में हो, अचानक लाभ के लिए ये सबसे अच्छे घर है। इसके अलावा तीसरा भाव, छठा भाव और ग्यारहवां भाव ये भी लाभ देते हैं, अचानक देते हैं लेकिन थोड़ा कम देते हैं। राहु की जो मित्र राशियां हैं, सबसे पहले तो भाई शुक्र की राशि दो में, कुछ विद्वान इसको उच्च का मानते हैं, सात में भी ये अच्छा फल देता है। शनि की राशि दस और ग्यारह में भी अच्छा फल देता है। बुध की राशि तीन में तो राहु को उच्च का मानते हैं, छह में भी अच्छा फल देता है। बृहस्पति की राशि नौ में राहु नीच का हो जाता है और आठ नंबर की राशि में भी कुछ विद्वान नीच का मानते हैं। तो बृहस्पति की राशि मीन में ये तटस्थ हो जाता है, ना अधिक अच्छा फल ना बुरा फल। जो भाव है सबसे अच्छे पहला और आठवां, फिर आपके पास आगे तीन छह दस ग्यारह और राशियां मैंने आपको बता दी जिनमें राहु बहुत शुभ हो जाते हैं। तो जब राहु गोचर में जातक पर प्रभाव डाल रहे हो, इन भावों में विराजमान होकर, या जन्म कुंडली में इन भावों में विराजमान हो और राहु की दशा अंतर दशा चल रही हो, जब भी जातक पर राहु का किसी भी रूप में प्रभाव आ जाए तो भाई रातों रात बाजी पलटने में सक्षम है। राजनीति के क्षेत्र में जो है उनको तो बहुत लाभ देता है, रातों रात चीफ मिनिस्टर तक बना देता है। तो जिस भी क्षेत्र में जातक है उसे कैसे लाभ देता है, पहली बात जब राहु शुभ होकर विराजमान हो जाए कुंडली में तो जातक को होने वाली घटनाओं के संकेत पहले ही मिल जाते हैं, तो वो उसी हिसाब से अपना डिसीजन लेता है और उसका लिया हुआ जो निर्णय है बहुत क्यूक होता है और वो सही साबित होता है, और दुश्मन की कितनी भी बड़ी चाल हो उसको फेल करने में समर्थ होता है। दूसरा, जब राहु का प्रभाव हो तो जातक में साहस बहुत आ जाता है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत आ जाती है, बड़े से बड़े शत्रुओं को किस तरह से पराजित करना है इसकी पूरी प्लानिंग बहुत साहसी ढंग से बना लेता है, और रिस्क लेने की क्षमता के कारण बड़ी से बड़ी समस्याओं को पार कर जातक अपनी मंजिल प्राप्त कर लेता है। तीसरी बात, जब राहु शुभ प्रभाव दे रहा होता है
कोई ना कोई इस तरह का व्यक्ति जो हमारा खून का रिश्तेदार ना हो वो अपने आप प्रकट हो जाता है। चाहने का तात्पर्य है ईश्वर ही उनको भेज देते हैं जो हमारी बहुत सहायता करता है, जिसको हम जानते भी नहीं होते कि ये कौन है जो जीवन में पहली बार मिला और वो हमारी बहुत सहायता कर देता है। राहु जो लंबे समय से रुके हुए काम है, जातक के किसी की शादी नहीं हो रही थी, किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी, जब भी शुभ प्रभाव में हो और जातक पर गोचर में प्रभाव डाल रहा हो, दशा अंतर दशा में प्रभाव डाल रहा हो, तो भाई सभी काम रुके हुए जातक के पूर्ण हो जाते हैं। समाज में जाने अनजाने अपने आप ही इस तरह के कार्य जातक करता है, जिसके कारण बहुत मान सम्मान जश जातक का समाज में बढ़ता है। अचानक धन लाभ होता है, जातक को उम्मीद ही नहीं होती कि जहां से भी धन लाभ हो सकता था वहां से भी धन लाभ होता है। राहु जब अच्छी पोजीशन में पड़ा हो तो किसी को जाकर जातक कोई काम बोल दे वो ना कर ही नहीं सकता, जब इसका प्रभाव होता है। राहु के कहने का ढंग ही इस तरह का होता है। और बड़े से बड़ा लीगल अलीगल काम ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए राहु करवा देता है, लेकिन जातक को जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, राहु का जब भी प्रभाव हो तो भाई किसी गरीब को, जरूरतमंद को, शरीफ को, उसको दुखी नहीं करना, उसकी बददुआएं नहीं लेनी। इसके अलावा आपके घर में कोई इस तरह का लोहा नहीं होना चाहिए जिस पर जंगाल लगा हुआ हो, और घर की जो छत है पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, जो बाथरूम है घर का सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना है। और राहु है जो बहुत फैलाव है आपके घर में, अगर कोई बोर बेल है, सबमर्सिबल लगवाया है या कुछ भी ऐसा बोर किया हुआ है, तो भाई उसको पूरी तरह से बंद करवा दीजिए। ये नहीं कि ऊपर ढक्कन रख दिया, पूरी तरह से मिट्टी वगैरह डलवा कर उसको बंद करवा दीजिए, तो राहु आपको बहुत शुभ फल देगा। अगर किसी वजह से राहु के कारण मानसिक चिंता हो, देखिए इन स्थितियों में राहु अचानक लाभ तो देगा ही, क्योंकि दुश्मनी थोड़ी अधिक हो जाएगी, तो कई बार मानसिक चिंता होगी, तो उस समय बहते पानी में नारियल को जल प्रवाह करें तो आपकी मानसिक चिंता में भी कमी आएगी, डिसीजन लेने की शक्ति में भी और सहनशीलता भी, ये सब बढ़ेंगी, इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा, बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ेगी। तो भाई ये तो था राहु का चमत्कार, जब ये शुभ स्थिति में हो, जातक पर इसका प्रभाव हो तो रातों रात क्या का क्या कर देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।